सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। जो भी आपके सामने मैं कहना चाहती हूँ उसे आप अंधविश्वास से स्वीकार करें। मैं बार बार हर जगह ये कहती हूँ क्योंकि अंधविश्वास से हमारा इस देश का बहुत नुकसान किया। जो बड़े बड़े काम करके चले गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, वो रह गए एक तरफ और ऐसे लोग कि जो धर्म के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर सब गलत सलत रास्तों के लोगों को डाल देते हैं, उन्होंने उनका उन महान अवतरणों का बिल्कुल पूरी तरह से कार्य नष्ट कर दिया। और हम लोग भी भोलेपन में क्योंकि खोज रहे हैं अंधकार में, तो किसी भी चीज को लिपट जाते, सोचते भी नहीं कि ये चीज वाकई में हमें सत्य की ओर ले जाएगी या दुष्टता। खास करके इन लोगों को पैसा वो सोचते पैसा ही सब कुछ है और लोगों को लूट करके बेवकूफ बना करके कभी कभी उनपे मंत्र डाल के और उनको मेस्मराइज करके भी रुपया लूटा जाता। एक चीज जान लेनी चाहिए कि परमात्मा को रुपया पैसा नहीं समझते और न ही उनको आपके बैंक समझ रहा है। ये तो इंसान का सबका है। इस तरह के अनेक प्रकार के दुष्ट लोग आज इस कलयुग में आए और ये घोर कलयुग और इस अंधेरी रात में ही दिवाली जगानी पड़ी। इससे बढ़कर और कोई अंधेरी रात हो नहीं सकती। अपने देश में भी इन दुष्टों ने अंधकार फैला रखा है और उसके पीछे बड़े बड़े लोग पड़े। आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस खोज में आपने क्या पाया, आपको क्या, आप क्या हो, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त, या आपकी सिर्फ जेब खाली हो गई और आप पगला गए। इस प्रकार के अनेक दुष्ट व्यभिचारी लोग कार्यान्वित है और आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी प्रकार से आप अंधश्रद्धा मत करें।
सर्वप्रथम मैं जो बात कह रही हूँ उसे आप सुनिए, उसको समझिए, और वो अगर सिद्ध हो जाए कोई एक जैसे कोई धारणा हो, जैसे साइंस का हाइपोथेसिस कहते हैं, यही समझ करके आप इस पर विचार करें और ये सिद्ध हो जाए तो आपको इसे मान लेना चाहिए। अगर आप ईमानदार आदमी हैं और अगर आप अपना हित चाहते हैं तो इस सत्य को आपको मानना चाहिए। इस सत्य को जाने पर हम लोग कोई भी प्रश्न का हल निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि सत्य प्रकाश और सत्य के प्रकाश में आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और सारे सृष्टि के लिए जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ ले कि आज के जितने भी प्रश्न हैं वो इन चक्रों की खराबी से, ये चक्र हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उत्थान हुआ उस इवोल्यूशन के ही कहना चाहिए कि उसी के निशान, पहले हम क्या थे फिर क्या हुए आज हम इंसान, पर इंसान होने पर भी हमें केवल सत्य मानना, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मानना। कोई कहता ये अच्छा है तो कोई कहता वो अच्छा है, तो कोई कहता वो अच्छा है, कोई कहता मैं अच्छा हूँ तू खराब है, कोई कहता मेरा धर्म अच्छा है तेरा धर्म खराब है। इस तरह के झगड़े इसलिए हैं कि मनुष्य अभी अंधकार में है और उसको केवल सत्य मालूम है। जब वो केवल सत्य को प्राप्त करेगा तभी वो जानेगा कि उसके अंदर जो ये गलत धारणाएं हैं ये बिल्कुल अंधकार में है और वो उसे एकदम से छोड़ दे, तरह तरह की चीजें इंसानों ने बना रखी, इतनी विद्रूप और इतनी गलत, पर तो भी लोग उस पर विश्वास करते। इसलिए मैंने ये कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास करें। हाँ, इन्होंने मेरी महती गाड़ी ठीक है, इनका कोई होगा नहीं। आप लोग जो नए यहाँ आए हैं वो किसी भी चीज पे विश्वास कर, लेकिन अपना दिमाग खुला रखें। जैसे एक साइंटिस्ट, अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी भलाई करनी है और आपकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर की भलाई करें, जब आप इस जिम्मेदारी में जागरूक होंगे तब आप जानेंगे कि हमें किस तरह से केवल सत्य को जानना चाहिए और पूरी तरह से मानना चाहिए। भारतवर्ष अनेक वर्षों से अंग्रेजों ने राज, उनको तो हम लोग पागल समझते थे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कोई बड़े वाली लोग है, इसे कुछ सीखने का खास।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।